हरे कृष्णा दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और वैदिक को आज हम स्कूल लेके जा रहे हैं। ये वैदिक तैयार हो गया स्कूल के लिए और आज इसकी यूनिफॉर्म भी लेके आऊँगी स्कूल की, बिकॉज सर्दियाँ शुरू हो गई है तो सर्दियों वाली यूनिफॉर्म आएगी अब, तो आज इसकी वो भी लेके आऊँगी। हम लोग फाइनली आ गए हैं वैदिक को छोड़ के और अब मैं घर पे जाके, कल ना मैंने खाना ही नहीं खाया 3 बजे तक, मुझे टाइम ही नहीं मिला वैदिक को लेके, क्योंकि वो आजकल इतना ज़िद करने लग गया है ना हर चीज़ को। जैसे कोई चीज़ देखता है तो उसके लिए ज़िद करता है। इस एज में ऑलमोस्ट बच्चे जो होते हैं ना वो ज़िद करना सीखते हैं, तो उसको ना उस ज़िद के लिए, मतलब मैंने बहुत देर तक उसको, पहले मैंने उसको समझाया बहुत देर तक कि हर चीज़ नहीं होती हमारे पास, मैं टॉय के लिए ज़िद कर रहा था। तो ना मतलब आजकल वो थोड़ा ज़िद करना सीख गया है, तो पूरा दिन ना कल उसको संभालने में मेरा चला गया, उसकी ज़िद को संभालने में। तो अभी बस आई हूँ, उसके मंकी को लेके आई हूँ, कार में रखा हुआ था, उसका मंकी है, उसको नींद नहीं आती अपने मंकी के बिना। मैं बोल रहा था मम्मा मेरा मंकी नहीं है मेरे पास में, तो अब बस अब घर जाती हूँ। अब थोड़ा सा कान्हा जी की आरती करूँगी और थोड़ा रूम साफ करूँगी। मैं जा रही हूँ वैदिक को लेने के लिए वैदिक के स्कूल, और वहाँ से आज बहुत सारे काम करने हैं, मुझे मार्केट भी जाना है, कुछ सामान लेना है। एक्चुअली वेडिंग एनिवर्सरी है बुआ जी की, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेने थे और गिफ्ट पैकिंग का कुछ सामान देखना था। तो मैं बस अभी ड्राइव कर रही हूँ, फटाफट से मुझे जाना है, ऑलरेडी लेट हो गई। मैंने ना अभी वैदिक के टॉयज़ का सारा सॉर्ट आउट किया, बहुत सारे टॉयज़ हो गए थे उसके पास में, और एक्चुअल में ना रखने को उसको प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रहा था, तो मैंने जो उसकी एक अलमारी लेके आई थी उसके बर्थडे पे, तो मैंने उसी में आज सारे टॉयज़ जो है उसके अरेंज कर दिए। तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से मार्केट और उसको लेके आऊँगी फिर। देखिए स्कूल ड्रेसेस ले ली है मैंने, और लेक्सीज का साइज़ जो है घर पे जाके चेक करते हैं क्या आता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस घर पे, यहाँ से शॉपिंग हो गई हमारे स्कूल से वैदिक की। वैदिक आ जाओ बेटा, कम। मैं घर पे आ गई हूँ और मैंने चेंज वगैरह कर लिया है, और वैदिक की बना रही हूँ अदरक वाली दूध वाला, मतलब अदरक वाला दूध बना रही हूँ वैदिक का। मैं आप लोगों के साथ में ना ये टिफ़िन शेयर करना चाहती थी, ये मैंने हस्बैंड को दिया था आज। ये बेसिकली ये बना है वीट फाइबर से बना है, वीट का जो फाइबर होता है ना, गेहूं का जो फाइबर होता है ये उससे बना हुआ है आज, ये प्लास्टिक नहीं है। तो ये हेल्दी है आपके लिए, और ये इस तरीके से कुछ है। तो ये है ना आजकल जो हम लोग खाते हैं, आप समझ सकते हैं जैसे कि प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। आप प्लास्टिक की जगह ये चीज़ अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, इस तरीके से ये पूरा टिफ़िन है। मैंने इसको मीशो पे भी देखा था, वहाँ पे भी अवेलेबल है। मैंने वैसे तो इसको ना एक लोकल बायर से ही बाय किया था, और उस टाइम पर मुझे इसकी कॉस्ट जो है वो 350 रुपये पड़ी थी, पर मे बी ऑनलाइन महंगा होगा। तो इस तरीके से इसमें इलास्टिक होती है और इसको वॉश कर सकते हो, और ये इसके साथ में जैसे सब्जी के लिए ये वाला कंटेनर मैं इसके साथ में दे देती हूँ हस्बैंड को।